फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के 22वें संस्करण में कई अहम मुद्दों पर देश से अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले के मन की बात कार्यक्रम के संस्करणों में प्रधानमंत्री जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के प्रोत्साहन, कौशल विकास, दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्ति, किसानों की समस्याओं, काला धन और आपातकाल जैसे कई प्रमुख विषयों पर बात कर चुके हैं। असम में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मृतकों के परिवारों को असम की सरकार 4 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ के कारण एक सप्ताह में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये बात पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की याद में आयोजित कराए गए कार्यक्रम के दौरान कही। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 1 जवान घायल हो गया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रत्येक पीड़ितों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिजली गिरने से भद्रक में 8, बालेश्वर में 7, खुर्दा में 5 लोगों की जान गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुड़गांव के लोगों को अब जल भराव के खिलाफ और लोगों को नगरों और शहरों में नालों, नहरों और झीलों के अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर नगर में अतिक्रमण को युद्ध स्तर पर हटाया जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि संसद में सदस्यों के द्वारा वेल में आकर नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। संसद परिसर में राज्यसभा में चुनकर नए सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सभापति ने कहा कि सदन से किसी विषय पर वॉकआउट करना सांकेतिक विरोध को दर्शाता है, लेकिन अपने दल के हित में वेल में आकर कार्यवाही में बाधा डालना संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रियाद में भारतीय दूतावास को सऊदी अरब में परेशान बेरोजगार भारतीय श्रमिकों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। श्रीमती स्वराज ने अपने ट्वीट में ये कहा कि सऊदी अरब और कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मालिकों ने मजदूरी नहीं दी है और कारखाने भी बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए फिल्में और संगीत अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म समारोह ने सिनेमा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट कांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुद्धिराम यादव ने आरोपी आलमगीर उर्फ रोनी को दोषी पाते हुए 7 लाख रुपए जुर्माना के साथ ही मौत की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी उबैदुर रहमान की बहस 2 अगस्त को होगी। अमेरिका के टेक्सास में गर्म हवा के गुब्बारे में आग लगने से इसमें सवार सभी 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ये गुब्बारा लोकहार्ट के करीब खेतों में गिर गया। ये गुब्बारा 1 घंटे की उड़ान पर था, लेकिन आधे घंटे के बाद उससे संपर्क टूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि रूस के एथलीटों को रियो ओलंपिक में भाग लेने के सिलसिले में 3 सदस्यीय पैनल का फैसला अंतिम होगा। रूस के 272 खिलाड़ियों को अब तक रियो ओलंपिक में भाग लेने के योग्य पाया गया है। लियांडर पेस और आंद्रे बैगेसन की जोड़ी ने इटली में बीएला चैलेंजर का खिताब जीता। भारत और जर्मनी की इस जोड़ी ने प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी आंद्रेस मार्टिन और हंस पॉडलिपने की जोड़ी को फाइनल में 6-1, 6-1 से हराया। किंगस्टन टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 126 रन बना लिए थे। लोकेश राहुल 75 रन और चेतेश्वर पुजारा 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आर अश्विन के 5 विकेट की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 196 रन पर आउट कर दिया। श्रीलंका ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 106 रन के बड़े अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्रीलंका की तरफ से रंगना हैरत 9 विकेट, लक्षण संदकन 7 विकेट और कुशल मैंडिस 176 रन की पारी खेलकर इस टेस्ट मैच के हीरो रहे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।